व्यक्तित्व ने तत्काल देश के अंदर यह आह्वान कर दिया कि पीपी किट बनाने का काम हमारे देश के अंदर ही शुरू होगा और अपने देश के अंदर आज 2 लाख किट पीपी किट प्रतिदिन बनती हैं। 2 लाख N95 मास्क जो बहुत कम मात्रा में बनते थे वो आज देश के अंदर प्रतिदिन 2 लाख बनते हैं। यही हमारी विल पावर के कारण से आज हम कोरोना महामारी के संकट से निपटने में जिस प्रकार से भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निभाई है, जनता और देश के हमारे सभी उद्योगपति, देश के छोटे छोटे काम करने वाले लोग, हर प्रकार के लोगों ने इसकी स्वीकारोक्ति दी है। मित्रों, आज आपको मुझे बताने में गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मैंने उल्लेख किया था, किसी प्रकार के कोई व्यक्ति जो भूखा देश के अंदर न रहे, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसान बीमा योजना के माध्यम से, पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पैसा लोगों के खातों तक पहुंचा और लोगों के खाते में सीधे मदद, जिसको हम कहते हैं, उन बैंक खातों के अंदर जिसमें इस देश के अंदर कभी कहा जाता था कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे बेनिफिशरी के पास पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे का घोटाला हो जाता है। लेकिन आज हमको गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, कि इस देश के अंदर अगर 1 रुपया चला है तो 1 रुपया ही गरीब तक, उस बेनिफिशरी तक, उसके खाते में पहुंचेगा। बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसको प्रूव करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर किया है। और इसके बारे में अगर मैं बताने का प्रयास करूं कि इस अभियान में, कोरोना महामारी के संकट में भी, हमारे दलित, पीड़ित, ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो गिव एंड टेक रहते हुए प्रतिदिन के अपने पेट भरने के लिए जो कमाई पर डे करते थे, ऐसे लोग जब घरों में रुक गए कोरोना महामारी के संकट में, उन लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को माना, सोशल डिस्टेंसिंग को, लॉकडाउन को, हर चीज को उन्होंने मान करके जब वो घर के अंदर बैठ गए, तो ऐसे हमारे दलित, शोषित और इस प्रकार के जो हमारे गरीब लोग हैं, उन सारे लोगों के बारे में कहा कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर भूखा नहीं रहेगा। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जारी कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, ऐसे लोगों को 50 लाख रुपए पर हेल्थ वर्कर को इंश्योरेंस कवर देने का काम इस देश के अंदर सबसे पहले किया, कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस अभियान में लगे हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए 50 लाख पर हेल्थ वर्कर का इंश्योरेंस कवर माननीय प्रधानमंत्री ने इसको घोषित किया। 80 करोड़ पुअर पीपुल्स को, गरीब लोगों को, 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं, चावल, 3 महीने के लिए ये देने का, जो पल्सेस, दाल, गेहूं, चावल वगैरह जो देना प्रारंभ किया 3 महीने के लिए, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के इस आह्वान में दिया। 20 करोड़ महिलाओं को जिनके जनधन अकाउंट होल्डर्स थे, उनको प्रत्येक खाते में 500 रुपए डालकर के माननीय प्रधानमंत्री ने उस मातृशक्ति को भी, जो गरीबी के इस दौर से, इस संकट से गुजर रही है, उनके लगभग 20 करोड़ महिलाओं के खाते में, जनधन खाते के अंदर पैसा डालने का काम, प्रति महिलाओं को 500 रुपए करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले रिजिम के अंदर हमने देखा कि 8 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर जो देने का काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकट के दौरान 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर 8 करोड़ गरीब परिवारों के अंदर 3 महीने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, इस गरीबी में, इस महामारी के संकट में उन गरीबों को देने का काम भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर किया। मनरेगा के अंदर जो हमारे गरीब वर्कर काम करते हैं, हमारे मजदूर काम करते हैं, जिनको 182 रुपए मिलता था, उसको 202 रुपए करके 13.62 करोड़ रुपए का लाभ उन देशा 13.62 करोड़ फैमिलीज को, 13.62 करोड़ फैमिली को लाभ देने का काम उस मनरेगा के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया।
और ऐसे पुअर सिटीजन, गरीब जो लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, विडोज हैं, हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, इनको भी लगभग 3 करोड़ लोगों के खाते में 1,000 रुपए डालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर 2,000 रुपए प्रति फार्मर प्रधान 8.7 करोड़, यानी 8.7 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए डालने का काम इस दौरान, इस अभियान में, इस गरीबी के दौर में, संकट के दौर में माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और इसी प्रकार से ऐसे लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उनको भी माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को वेलफेयर फंड के अंदर जो रिलीफ देने का प्रयास किया, डिस्ट्रिक्ट मिनिमम फंड जो होता है, जो हर जिले के अंदर है, माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि मेडिकल टेस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए जो फैसिलिटी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, उस पैसे के माध्यम से हर जिले के अंदर हम उसके माध्यम से इस प्रकार की चीजें लेने का प्रयास करें, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे स्क्रीनिंग करने के लिए टेस्ट की कोई जो व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज लेने के लिए हो। इन सारी बातों के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर इस महामारी के संकट में इन सारी चीजों का लाभ देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ रेस्पॉन्स पैकेज ये पूरे देश के अंदर जो दिया, जिसके कारण से लोगों को लाभ जो मिलना प्रारंभ हुआ। और आज मित्रों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों का उल्लेख आज हमारे सामने किया है, और जिसमें मैंने कहा कि मांग और आपूर्ति में समन्वय बनाने का प्रयास आज जो किया है, कि इसके बारे में कि हमने जो आर्थिक सुधार किए, ऑनलाइन हमने ट्रांसफर वाले सिस्टम जो खड़े किए, इसका बड़ा लाभ आज हमको इसके कारण से मिला है। और जनधन में एक और आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, 41 करोड़ खातों में सीधा पैसा लोगों को पहुंचा, यह हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। एक घोषणा जो एमएसएमई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके बारे में आज निर्मला सीतारमण जी ने जिसका उल्लेख किया है, कि बिना गारंटी कोलेटरल फ्री गारंटी के जो 3,00,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, जो 4 वर्ष के लिए है, जो पहले एक साल का मूलधन जिसको नहीं चुकाना पड़ेगा, ऐसे 45,00,000 उद्योगों को लाभ इसका मिलेगा। ये आज की जो घोषणा है, जो 31 अक्टूबर तक कोई गारंटी जिसकी नहीं होगी, आज इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 200 करोड़ तक ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है। इसी प्रकार से बैंक गारंटी के बारे में, जो ठेकेदारों को जो आज जिस बात का जो टेंडर से पहले से उसके बारे में जो घोषणा हुई है कि हम 6 महीने तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया आज उसकी जो डिक्लेरेशन हुई है, और आंशिक रूप से बैंक गारंटी उनको वापस होगी, जो काम चल रहे हैं उसके उसमें किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े और उन सारी चीजों को सुचारू चलाया जा सके, इसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो उल्लेख किया है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 18,000 आयकर रिफंड ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, और अभी मैं देख रहा था कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में लगभग 70.22 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने इसका विशेष तौर पर जो उल्लेख किया है। और 15,000 से जिनकी कम आमदनी है, 15,000 से कम जिनकी आमदनी है, ऐसे लोगों को बहुत अधिक लाभ इस सारे जो पैकेज आज जो जारी हुआ है, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर माननीय वित्त मंत्री जी ने आज जिन बातों का जो उल्लेख किया है, ये हम सब लोगों के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं एक बात अवश्य आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आर्थिक पैकेज जो जीडीपी का 10% है, सालाना बजट का 66% है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने इसका आह्वान किया है, आज मध्य प्रदेश के अंदर भी गांव आधारित, कृषि आधारित और जो मजदूर बड़ी संख्या में पूरे देश से अपने अपने गांव के अंदर जो गया है, आज इसके बारे में एक विजनरी जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने किया है कि एमएसएमई को सशक्त बनाकर हम ऐसे कुटीर और लघु उद्योगों को
अपने उन गांवों के अंदर कैसे स्थापित करें जहां बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचा है, क्या ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। तो मैंने मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग कल जो टास्क फोर्स की बैठक कर रहे थे तब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि खेती के बारे में हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं, गांव आधारित कौन से ऐसी छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, हमारे जो महिलाओं के स्व सहायता समूह वगैरह काम कर रहे हैं इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कई प्रकार की घोषणाएं की हैं, कई प्रकार के लाभ उनको भी मिलेंगे। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुपों को हम ऐसे कौन से काम दे सकते हैं जो गांव आधारित छोटी छोटी चीजों को चला सकते हैं, उनको शुरू कर सकते हैं। हम दुग्ध उत्पादन से लेकर के ऐसे कौन से काम है जो गांव में लोग कर सकते हैं जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो इस दिशा में गांव आधारित, खेती आधारित और ऐसे लोग जिनमें मजदूरों का उपयोग सर्वाधिक हो सकता है, तो ऐसे कुटीर लघु उद्योगों को शुरू करना अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, इस पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम सब लोगों को, जो मैंने टास्क फोर्स के बारे में बात की थी, हम लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे विजनरी लोगों के साथ बैठकर हम विचार करें। और इसके बारे में चर्चा हमारी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे टास्क फोर्स के सम्मानित सभी सदस्यों के साथ, और मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सोचने वाले लोगों को एक फोरम पर लाकर, उसमें मैं तो अपील आप सब लोगों से भी करूंगा कि हम सब लोग भी अपने मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए, जिसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम लोग लेकर के गए थे, आज इस संकट में जो आया है, इस संकट में अपने मध्य प्रदेश को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका आह्वान किया है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, इस दिशा में हम किन किन बातों का उल्लेख कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम ला सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने मध्य प्रदेश के लिए भी, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें खड़ी करें, इसमें आप सभी पत्रकार मित्रों के भी सुझाव होंगे, हम आम जनता से भी इसके सुझाव लेकर के हम इसके बारे में कोई प्लानिंग और तैयारी कर सकते हैं। बिजनेसमैन, हमारे उद्योगपति और ऐसे काम करने वाले लोग, उनके माध्यम से भी कोई चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब लगातार टास्क फोर्स के माध्यम से भी, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, चाहे वो उद्योगपति हों, व्यापारी हों, अपने काम करने वाले डॉक्टर्स हों, ऐसे विजनरी लोग हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, ऐसे चलाने वाले अलग अलग प्रकार के वर्ग काम करने वाले लोग हैं, उन सबसे जो डायलॉग किया है उसमें से भी कई प्रकार के जो सुझाव आए हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। आज हम सब लोग मिलकर के भी अपना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, अपने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गांव आधारित, किसान आधारित और मजदूरों पर आधारित कैसे खड़ी होगी, छोटे छोटे उद्योग हम, कुटीर और ऐसी चीजों को कैसे शुरू करेंगे जो हम मध्य प्रदेश के अंदर बना करके लोकल को ग्लोबल विजन दे करके दुनिया के अंदर ले जाने का प्रयास हम करें। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मित्रों के लिए जो बातें देश के वित्त मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कही है, उन बातों का उल्लेख मैंने आपके सामने किया है, और हम सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश को भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश और सशक्त और सक्षम मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।